हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप वो उस वीडियो को देख लीजिए ताकि हमको ब्रेन के फंक्शन को समझने में और आसानी हो जाए। जैसा कि हम सबको पता है कि ब्रेन हमारा हेडमास्टर की तरह होता है, जो कि सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। सारे मैसेजेस जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स से मिलते हैं वो ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन उसको फिर एनालिसिस करता है और उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्स करता है। कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, लिख रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, एवरीथिंग इज इंटरप्रेटेड बाई आवर ब्रेन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान देना कि चूंकि ये ब्रेन हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स से मैसेजेस लेकर के उसको इंटरप्रेट कर रहा है, इसलिए सारे एनिमल्स में जो भी उसके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, टेस्ट बर्ड्स मतलब जीभ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रेन के आसपास ही कॉम्पैक्ट जगह पे होती हैं हम लोग की, कि मैक्सिमम जो सेंसेस हैं उनको ट्रेवल करने में कम से कम समय लगे। खैर, ये तो हुई एक जनरल बात। अब ब्रेन को अगर हमें समझना है तो इसके तीन पार्ट्स बेसिकली किए गए हैं। एक तो है, अगर आप ऊपर से देखिए, ब्रेन के ऊपर से हम अगर झांक के देखें तो सबसे पहली लेयर हमको मिलेगी फोर ब्रेन। फोर मतलब होता है आगे का हिस्सा, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को अगर आप हटा दीजिए तो उसके बीच में मिलता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के पीछे जा कर के हमको नेक के पास मिलता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गए तीन बेसिक उसके डिवीजन। अब फोर ब्रेन को देखो, हमारा ब्रेन काफ़ी डेलिकेट ऑर्गन है और ये हमारे शरीर के सारे इमोशनल, फिजिकल सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे शरीर ने एक बहुत अच्छा बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कल। हम लोग कभी किसी कांच वगैरह की चीज़ें, जो फ्रेजाइल आइटम, उनको जब पैक करते हैं तो कार्टन और उस कांच के सामान के बीच में भी कुछ न्यूज़पेपर्स या कुछ भी फोम लगा देते हैं ताकि अगर शॉक लगे भी तो वो शॉक वो एब्जॉर्ब कर ले और जो ग्लास आइटम्स हैं वो टूटे नहीं। ऐसे ही हमारे ब्रेन और हमारे स्किल के बीच में कई लेयर्स होती हैं जो कि किसी शॉक को प्रिवेंट करती हैं। और पहले देखते हैं फोर ब्रेन के सारे पार्ट्स। फोर ब्रेन में सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम दो पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। जैसे कि आपने अखरोट की गिरी देखी होगी, अखरोट जब खोलिएगा तो वो हमारे ब्रेन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। सेरिब्रम की जो सबसे ऊपरी लेयर है, जिसमें कि हमको ज़्यादातर हिस्सा काफ़ी फोल्डेड दिखता है, इसको बोलते हैं सेरिब्रम कॉर्टेक्स। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने कम बुद्धि के एनिमल्स होते हैं ना, उनके सेरिब्रम में फोल्डिंग उतनी ही कम होती है, मतलब वो काफ़ी स्मूथ होते हैं, उनमें फोल्डिंग्स नहीं पाई जाती। हम लोगों में बहुत ज़्यादा फोल्डिंग पाई जाती है। इसके बाद अब फोर ब्रेन में ही एक होता है लिम्बिक रीजन। लिम्बिक रीजन में थैलेमस पाया जाता है। इस थैलेमस का काम होता है कि जितने भी सेंसरी सिग्नल्स मिलते हैं, मोटर सिग्नल्स मिलते हैं, सेंसरी और मोटर सिग्नल्स समझ रहे ना, अगर नहीं समझ रहे तो आप नर्वस सिस्टम का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जो हमारे शरीर के सारे सेंसर्स के थ्रू जो मैसेजेस आते हैं ब्रेन को, और फिर जो ब्रेन हमारा इंटरप्रेट करके हमारे मसल्स को चलाने के लिए जो मैसेज भेजता है, ये सारे सेंसर्स जो हैं थैलेमस के थ्रू जाते हैं कॉर्टेक्स एरिया में। ये हमारे सोने के पैटर्न को रेगुलेट करता है, कितनी जल्दी हम जग जाते हैं, कितने अलर्ट हैं हम चीज़ों से, या घोड़ा बेच के सो रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से रेगुलेट होती हैं। अब आता है हाइपोथैलेमस। अगर आपने पढ़ा हो कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इन सब को रेगुलेट करता है। अगर हम किसी चीज़ से बहुत डर जाते हैं तो उस वक्त हमारा शरीर एड्रिनलिन प्रोड्यूस करता है, इससे हमारे पास ताकत आ जाती है। जैसे हमारे पीछे अगर कोई शेर पड़ गया तो हमको भागना है, या किसी चीज़ से डर के हम भाग रहे हैं, किसी मॉब से भाग रहे हैं, तो उस वक्त ये एड्रेनालिन ही जो है ये बहुत ज़्यादा सेक्रेट होता है और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ताकत देता है कि हम उस सिचुएशन से बाहर निकलें। और फिर जैसे जैसे ये एड्रेनालिन कम होता जाता है, हमारा जो हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल होता जाता है। तो जो ये हाइपोथैलेमस है वो ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है जिससे कि एड्रेनालिन जो है वो स्टिमुलेट होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि हम लोग को मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। आप जितना मेडिटेट करोगे, ध्यान लगाओगे, उतना ही आपका जो ब्रेन है, आपके शरीर जो है वो सही रहेगा। असल में मेडिटेशन इन्हीं सब हार्मोन्स पे इफेक्ट डालता है।
इसी फोरब्रेन में एक छोटा सा पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरीके से मास्टर ग्लैंड कहलाती है। ये हम लोग हार्मोन्स टॉपिक में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। लिम्बिक रीजन में एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। जब मैं छोटी थी तो हिप्पोकैम्पस हिप्पोपोटामस में बहुत कंफ्यूज रहती थी। खैर मजाक कर रही हूँ इसलिए बोला कि आपको याद रहे। हिप्पोकैम्पस का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो जितनी भी हमारी मेमोरीज होती है ना, जैसे कॉन्शियसली हम लोगों ने मेमोरी बनाई, कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, इसको याद कर रहे हैं, या वैसे भी हम लोग कोई घटना देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेमोरी में तब्दील हो जाती हैं और ये सारी चीज़ें हिप्पोकैम्पस फाइल बना बना के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को भेजता है स्टोर करने के लिए। और जब कभी हमको उस मेमोरी को रिकॉल करना होता है तो फिर से हम उस मेमोरी को रिकॉल कर लेते हैं। ये लिम्बिक रीजन बहुत सारा डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो कि हमको बहुत हैप्पीनेस महसूस कराता है कि हम बड़े खुश हैं। जैसे कि आपको अपने दोस्तों के साथ महसूस होता है तो समझ लीजिए कि डोपामाइन रिलीज हो रहा है उस वक्त ज़्यादा। लेकिन इसका एक बहुत बुरा असर भी है कि जो लोग ड्रग्स लेने लगते हैं वो उनके शरीर में यही डोपामाइन जो है वो और ज़्यादा रिलीज होने लगता है। जो ड्रग्स है वो स्टिमुलेट करता है इस पार्ट को कि वो और डोपामाइन रिलीज करे। तो ड्रग्स लिया जब तो डोपामाइन रिलीज हुआ जिससे कि हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन धीरे धीरे जो हमारी नॉर्मल लाइफ होती ना उसमें जो हमको साधारण खुशियाँ मिल रही है, एक फूल देने देखने पर भी मुस्कुरा दे रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो बेकार लगने लगती हैं। और धीरे धीरे हम लोग और जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो और ड्रग्स पे डिपेंड होने लगते हैं हैप्पीनेस के लिए। और इसका बुरा असर तो हम सबको पता है कि ड्रग्स लेने का क्या बुरा असर होता है। तो भाई हमको ज़्यादा डोपामाइन नहीं चाहिए। अगर अच्छा डोपामाइन चाहिए तो मेडिटेशन करिए, योगा करिए। तो हम लोगों ने फोर ब्रेन के बेसिकली कितने पार्ट्स पढ़े, तो एक तो हो गया सबसे बड़ा पार्ट हो गया सेरिब्रम, जिस जो कि दो हेमिस्फीयर में बटा है अखरोट की तरह, और ये बहुत ही फोल्डेड है और इसमें बहुत ही सारे न्यूरॉन्स हैं। और दूसरा पार्ट हो गया कि हमारा लिम्बिक सिस्टम, थैलमस, हाइपोथैलमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये सारे जो हार्मोन्स रिलीजिंग ग्लैंड्स हैं वो भी इसी रीजन में आते हैं। अब इनका काम क्या है? जितनी भी हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग होती है ना, कॉग्निटिव थिंकिंग मतलब जो चीज़ हम बहुत समझ करके डेवलप करते हैं, एनालिसिस करके करते हैं, जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपने देखा और वो चीज़ समझ लिया, आप उसको थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, आपका ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है तब आप उसको समझ पाते हैं। हम जो भी चीज़ सीखते हैं लॉन्ग टर्म में हमारे ब्रेन में रह जाती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है, जो विचार बनते हैं, ये सारी चीज़ें फोर ब्रेन में ही होती हैं अलग अलग पार्ट्स में। आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोचने का तरीका, हमारा जो चलने पर जो कंट्रोल होता है, बॉडी का कंट्रोल, वो बहुत सारी एन नंबर ऑफ वर्क जो है ये फोर ब्रेन हमारा करता है। अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक में इस डायग्राम को देखिए। इसमें ब्रेन के कुछ हिस्से बताए गए हैं जिसमें से चार हिस्से सेरिब्रम के हैं। पहला है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब फोर ब्रेन का सबसे बड़ा लोब है और इसका काम है हमारे इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करना। अब आता है पैराइटल लोब। ये हमारे अपर बैक का हिस्सा है। ये हमारे सेंसरी मैसेजेस जैसे कि टच है, टेस्ट है, टेम्परेचर है, इन मैसेजेस को कन्वे करता है। इसके बाद आता है ऑक्सीपिटल लोब। ये हमारा विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर है, मतलब हम जो देख करके समझते हैं उसकी फिर एनालिसिस होती है ब्रेन के द्वारा, ये सारी चीजें इस पार्ट से ही होती हैं। अब आता है टेम्पोरल लोब। हमारे कान के जस्ट थोड़ा सा ऊपर की ओर साइड में जो हिस्सा है वो हमारा टेम्पोरल लोब है। इसका काम होता है जो हम विजुअल्स देखते हैं उसकी परसेप्शंस को एनालाइज करता है, ये हमारे इमोशंस को, लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। तो ये अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो हमारा फोर ब्रेन का हिस्सा था। अब इसके बाद आता है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो कि हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में आता है। मिड ब्रेन में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो मैं इस वीडियो में अभी कवर नहीं कर रही हूँ। ये सारे पार्ट्स कलेक्टिवली देखने, सुनने, हमारे मोटर स्किल और टेम्परेचर कंट्रोल, इन सब के परफॉर्मेंस में ये मदद करता है। अब आता है हमारे ब्रेन का पिछला हिस्सा जिसमें कि मेडुला, पॉन्स और सेरिबेलम होता है। मेडुला ही वो हिस्सा है जहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्टेड होता है।
मेडुला बहुत सारे इनवॉलेंट्री कामों को रेगुलेट करता है। इनवॉलेंट्री काम कैसे, जैसे कि हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है पॉन्स, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। एक तरीके से ये हाईवे का काम कर रहा है। इसका मेन काम है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का। इसके बाद आप एक ब्रेन का छोटा सा हिस्सा पीछे देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम अपने आप में भी एक छोटे दिमाग जैसा ही लगता है, इसलिए इसको छोटा दिमाग भी बोलते हैं। जैसे हमने फोर ब्रेन में पढ़ा था कि सेरिब्रम के ऊपर सेरिब्रम कॉर्टेक्स होता है, ऐसे ही इसमें भी सेरिबेलम कॉर्टेक्स होता है। ये हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि सही पॉस्चर, ठीक है, हमारा बैठना, जैसे कई लोग का आपने देखा होगा कि कोई बैलेंस नहीं है, झुक जाते हैं। और ये हमारे बहुत सारे मोटर बिहेवियर्स आपने पढ़ा होगा ना नर्व सिस्टम के वीडियो में, कि जिन मसल्स को चलाना होता है उन मोटर बिहेवियर को भी ये कंट्रोल करता है। तो हम लोगों ने टोटल पढ़ा, तीन हिस्से हैं मेन ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सेरिब्रम को हमने चार रीजन में डिवाइड किया है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। इसके बाद आता है इसका एक पांचवा हिस्सा जो छोटा सा है, सेरिबेलम, जो आपको पीछे दिख रहा है एक हिस्सा। हमारा जो बैकबोन है वो ब्रेन से मेडुला ऑब्लोंगेटा के ही थ्रू कनेक्टेड होता है। असल में हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स और मिड ब्रेन का हिस्सा, यहाँ पे मैं सेरिबेलम की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन, इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। असल में ये आप देखेंगे एक अलग से एक स्टेम जैसा एक पार्ट चला आ रहा है, जो कि हमारे बैकबोन से कनेक्टेड होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा एक वो पार्ट है जहाँ पे ये बैकबोन से कनेक्टेड होता है। हमारा एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन क्या हो गया ब्रेन का, ब्रेन में फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के अंदर हम दो पार्ट की विशेष बात करते हैं, पहला हो गया सेरिब्रम और दूसरा हो गया लिम्बिक रीजन। फिर आता है मिड ब्रेन और फिर आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन को मिला के हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। ब्रेन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, जिसको कि एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, और क्लास के 10th तक के बच्चों के लिए इतना डिटेल समझना भी पॉसिबल नहीं है। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, NTSC वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।